हेलो स्टूडेंट, दिस इज आकाश शर्मा और मैथ्स में आज हमारा टॉपिक चल रहा था पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इससे पहली कक्षा में पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में पढ़ चुके थे, जिसमें हमने घन, घनाभ, शंकु और हमारा क्या आता है इसमें गोला, इनकी आकृतियों के बारे में हम पढ़ चुके हैं और इनसे बेस हम क्वेश्चनों को भी कर चुके हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है आपका, और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, आयतन, इसके बारे में पिछली कक्षाओं में काफ़ी चीज़ों को हम पढ़ चुके हैं, इनकी फॉर्मूलाज को पढ़ चुके हैं। आइए घनाभ के आयतन के बारे में इसमें हम पढ़ते हैं कि घनाभ का आयतन क्या होता है और किस प्रकार ये कार्य करता है। अब देखिए घनाभ का आयतन, घनाभ के आयतन से तात्पर्य है कि घनाभ द्वारा कुल घेरा गया स्थान, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, मगर हम उसमें कोई चीज़ भरें तो उसमें उस चीज़ की कितनी मात्रा आ जाएगी। जैसे अगर हम इस घनाभ में पानी भरना चाहें तो कितनी मात्रा में पानी इस घनाभ के अंदर आ जाएगा, इसका मात्रक गहन इकाई होता है। एक घनाभ का आयतन निम्न सूत्र से निकाल सकते हैं, हमें उस घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ज्ञात करनी चाहिए। अब देखिए घनाभ का आयतन, तो हमें क्या क्या पता होना चाहिए, घनाभ की लंबाई पता होनी चाहिए, घनाभ की चौड़ाई पता होनी चाहिए और उसकी ऊंचाई पता होनी चाहिए। घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, या फिर लंबाई को लेंथ, चौड़ाई को ब्रेथ और हाइट को, ऊंचाई को हाइट कहेंगे। तो यहाँ एल बराबर लंबाई, बी बराबर चौड़ाई और एच बराबर ऊंचाई है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ध्यान देने योग्य पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट टू बी नोटेड क्या है हमारे, यदि वस्तु खोखली है और उसका अभ्यंतर रिक्त होता है जिसे हवा या द्रव से भरा जा सकता है, यह द्रव उस वस्तु बर्तन के आकार का हो सकता है। इस स्थिति में बर्तन के अभ्यंतर में अंदर जितनी वस्तु या द्रव भरा जाता है वह उसकी धारिता कहलाती है। अर्थात क्या है कि कोई भी हवा या द्रव से भरा जा सकता है, कोई भी अंतर अगर रिक्त होता है, अगर कोई भी खाली है, जैसे कोई भी चीज़ आपकी क्या है, खाली है, ये कटोरा ले लेते हैं हम, बाउल, कटोरा ले लेते हैं। अब ये देखिए या तो ये हवा से भरा है या फिर इसमें क्या है, पानी भरा है, पानी इन द सेंस हम क्या बोलेंगे, द्रव्य। अब उस द्रव्य उस बर्तन वस्तु के आकार का हो सकता है, इस स्थिति में बर्तन के अभ्यंतर में जितना अंदर उतनी वस्तु द्रव भरा जा सकता है वह उसकी धारिता कहलाती है, क्या कहलाती है, उसकी धारिता कहलाती है। अब नेक्स्ट देखिए घन का आयतन, घन एक विशेष प्रकार का घनाभ होता है जिसके सभी पृष्ठ वर्गाकार और बराबर होते हैं, अर्थात इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है, समान होती है। माना घन की एक भुजा ए है, इस प्रकार घन का आयतन होगा ए इंटू ए इंटू ए, क्या हो गया, ए की क्यूब, घन इकाई। अब देखिए आपका आ गया ये ए, ये ए आ गया और ये आ गया आपका ए, इस प्रकार आपका चलेगा। अब देखिए नेक्स्ट आप उदाहरण नंबर 11, एक खुले मैदान में 10 मीटर लंबी एक दीवार का निर्माण किया जाना था, दीवार की ऊंचाई 4 मीटर है और इसकी मोटाई कितनी है, 24 सेंटीमीटर है। यदि इस दीवार को 24 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर विमाओं वाली ईंटों से बनाया जाना है तो इसके लिए कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। तो हमें पता होना चाहिए कि हम जो 24 हमारी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई विमाओं वाली ईंटों से बनाया जाना है तो इसके लिए हमें ईंटों की आवश्यकता होगी। तो हमें इसके लिए क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा। आप देखते हैं, चूँकि दीवार द्वारा घेरा गया स्थान कितना है, सभी ईंटों द्वारा घेरे गए स्थान के बराबर होगा, इसलिए आइए दीवार का आयतन ज्ञात करें जो एक घनाभ है। मोटाई क्या है आपकी, 10 मीटर, लंबाई इसे 1000 सेंटीमीटर हम लिख सकते हैं, मोटाई क्या है इसकी, 24 सेंटीमीटर, ऊंचाई क्या है इसकी, 4 मीटर, क्या आ गई आपकी, 400 सेंटीमीटर। फिर आपकी आती है दीवार का आयतन, दीवार का आयतन कितना हो गया, लंबाई गुणा मोटाई गुणा ऊंचाई, अब क्या आ गया आपका, 1000 इंटू 24 इंटू 400 सेंटीमीटर क्यूब। अब प्रत्येक ईंट विमाओं 24 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर
और 8 सेंटीमीटर का एक घनाभ है। इसलिए एक ईंट का आयतन क्या हो गया आपका, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, तो कितना हो गया 24 × 12 × 8 सेंटीमीटर की क्यूब। ये बात आपकी समझ में आ गई। अब नेक्स्ट देखिए, अतः वांछित ईंटों की संख्या दीवार का आयतन अपॉन एक ईंट का आयतन। तो दीवार का आयतन अपॉन में करेंगे एक ईंट के आयतन के, तो क्या आ गया आपका 1000 × 24 × 400, डिवाइड में क्या आ गया आपके 40, 24, 12 और 8, तो क्या आ गया आपका 41, 66.6, ये आ गया आपका, और ये क्या आ गया आपका। इसलिए दीवार बनाने में 4167 ईंटें लगेंगी। ये बात आपकी क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट देखते हैं, उदाहरण नंबर क्या आ गया आपका 12। एक बच्चा भवन ब्लॉकों से खेल रहा है जो एक आकार के घन के आकार के हैं, उनसे इनसे आकृति 13.25 में दर्शाए के अनुसार एक ढांचा बना लिया है। प्रत्येक घन का किनारा 3 सेंटीमीटर है। अब देखिए घन का जो किनारा है वो कितना है, 3 सेंटीमीटर का है। और क्या है आगे, प्रत्येक घन का किनारा 3 सेंटीमीटर का है। उस बच्चे द्वारा बनाए गए ढांचे का आयतन ज्ञात कीजिए। तो बच्चे ने क्या ढांचा बनाया, उसका आयतन ज्ञात करना है। हल क्या आ गया, प्रत्येक घन का आयतन बराबर किनारा इंटू किनारा इंटू किनारा हम करेंगे, तो सबके किनारे को हम ले लेंगे। इस प्रकार ये जो हमारे किनारे हैं 3 सेंटीमीटर के, तो 3 × 3 × 3 सेंटीमीटर की क्यूब आ गई, तो क्या आ गया आपका 27 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर आ गया। और ढांचे में घनों की संख्या कितनी आ गई आपकी 15। तो अब गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। इस प्रकार आपकी ढांचों की संख्या क्या आ गई, ढांचे में घनों की संख्या क्या आ गई आपकी 15। अब ढांचे का आयतन क्या हो गया आपका 27 × 15 सेंटीमीटर क्यूब, तो क्या आ गया आपका 405 सेंटीमीटर की क्यूब। अब नेक्स्ट देखिए, एक घनाभाकार पानी की टंकी 6 मीटर तो लंबी, लंबाई कितनी है उसकी 6 मीटर है, 5 मीटर चौड़ी, चौड़ाई कितनी है 5 मीटर है, और 4.5 मीटर गहरी है। इसमें कितने किलोमीटर पानी आ सकता है, तो कितना आ सकता है 1 मीटर क्यूब बराबर कितने हैं 1000 लीटर। अब घनाभाकार टंकी में पानी की मात्रा उसके आयतन के बराबर होती है, और टंकी का आयतन कितना हो गया आपका, टंकी का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा में गहराई। तो टंकी की एक तो लंबाई होती है, एक उसकी चौड़ाई होगी, एक उसकी क्या होगी गहराई होगी। अब देखिए 6 × 5 × 4.5 मीटर की क्यूब, तो क्या आ गया 135 मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब = 1000 लीटर। इसलिए टंकी में पानी की मात्रा कितनी हो गई आपकी 135 × 1000 लीटर। अब देखिए 135,000 लीटर ये आ गया आपका। तो आपका क्या आया, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा गहराई, तो दो तीनों चीज़ आ गई। तो 135, अब 1 मीटर स्क्वायर क्या होता है 1000 लीटर। मीटर को अगर आप 1 मीटर को चेंज करेंगे तो ये क्या होगा आपका 1000 लीटर होगा। इसलिए टंकी में पानी की मात्रा कितनी हो गई आपकी 135 × 1000 लीटर कर देंगे, तो आपकी आ गई 135,000 लीटर पानी उसमें आ सकता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्न नंबर आता है आपका 1। माचिस की डिब्बी की माप कितनी है 4 सेंटीमीटर × 2.5 सेंटीमीटर × 1.5 सेंटीमीटर। ऐसी 12 डिब्बियों के एक पैकेट का आयतन क्या होगा। तो ऐसी अगर 12 डिब्बियां हैं तो इनकी एक पैकेट का आयतन क्या होगा। तो माचिस की डिब्बी की लंबाई एल कितनी है 4 सेंटीमीटर। चौड़ाई ब्रिथ कितनी है 2.5 सेंटीमीटर। और ऊंचाई एच क्या है 1.5 सेंटीमीटर। क्या हो गई 1.5 सेंटीमीटर।
अब देखिए माचिस की डिब्बी का आयतन कितना हो गया, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कितना हो गया, 4 × 2.5 × 1.5, तो कितना आ गया 15 सेंटीमीटर की क्यूब। इसलिए माचिस की 12 डिब्बियों का आयतन, 12 डिब्बियों का आयतन कितना हो गया 12 × 15, 180 सेंटीमीटर क्यूब। तो जो आयतन होता है वो आपका किस में आता है, सेंटीमीटर क्यूब में। ये बात आपको अच्छे समझ में आ गई। अतः माचिस की 12 डिब्बियों का आयतन, तो आप 12 की इंटू कर देंगे इसमें, तो 12 × 15 कितना हो गया 180। तो माचिस की 12 डिब्बियों का आयतन कितना आ गया आपका 180 सेंटीमीटर की क्यूब। अब आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर आता है आपका 2। एक घनाभाकार पानी की टंकी 6 मीटर लंबी, 5 मीटर चौड़ी और 4.5 मीटर गहरी है। इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है, कितने लीटर पानी आ सकता है, 1 मीटर क्यूब बराबर क्या आ गया 1000। पानी की टंकी की लंबाई L कितनी हो गई 6 मीटर, चौड़ाई ब्रिथ कितनी हो गई 5 मीटर और गहराई H हाइट कितनी हो गई 4.5 मीटर। ये बात आपने देख ली। अब पानी की टंकी का आयतन कितना हो गया, आयतन लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, तो कितना आ गया 6 × 5 × 4.5, कितना आ गया 135 सेंटीमीटर की क्यूब। तो 135 × 1000 लीटर, तो क्या कर लेंगे इसका हम, 135 135,000 लीटर। अतः पानी की टंकी में, अब पानी की टंकी में 135,000 लीटर पानी आ सकता है। तो इसमें क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं आपके, पानी की टंकी हो सकती है घन के आकार की, जिसमें घन का आकार लगा हुआ हो, तो आपकी किसी प्रकार की आकृति 3D आकृति, जैसे आपकी माचिस की डिब्बी होती है, ये भी क्या होती है घनाकार होती है, एक पेंसिल बॉक्स होगा वो भी आपका घनाकार होगा। तो अलग अलग आकृतियाँ इसमें क्या होती हैं, तो ये 3D आकृतियाँ होती हैं। कैसी आकृति होती है 3D, जिन्हें हमें त्रिविमीय 3D आकृतियाँ, या फिर हम इनको क्या बोलते हैं त्रिविमीय आकृति, त्रिविमीय आकृतियाँ। ये बात आपको क्लियरिटी समझ में आई। अब देखिए तो क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो आज हमने क्या सीखा कि हमारा आयतन क्या होता है, किसका, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन। इसके लिए हमें लंबाई चाहिए, गुणा में क्या चाहिए ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई और क्या चाहिए आपको ऊंचाई। तो कोई भी घनाभ होगा वो आपकी 3D आकृति होगी, और उसमें आपको क्या होगा, दोनों तरफ से, एक तरफ से वो आपको दिखाई नहीं देगी, एक साइड से उसका सिर्फ एक ही पक्ष आपको दिखाई देगा। ये क्या हो गई माचिस की डिब्बी। इसके क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं और घनाभ का आयतन हम कैसे निकालेंगे, इसकी हमें लंबाई भी देखनी पड़ेगी। देखिए ले हुए इसकी लेंथ लंबाई L, ये इसकी चौड़ाई हो गई, ब्रिथ भी हमें देखनी पड़ेगी, और ये इसकी ऊंचाई हो गई, तो हमें इसकी ऊंचाई H भी देखनी पड़ेगी। ये बात आपको क्लियर हो गई। और घनाभ क्या है, घन और घनाभ दोनों आकृति कैसी हैं, 3D आकृति हैं। इसी प्रकार शंकु और ये सारे क्वेश्चंस भी हमने किए थे, शंकु गोला और बेलन के क्वेश्चंस भी, ये सब सारे 3D आकृतियाँ हैं। इन आकृतियों को हम एक फॉर्मूले की नीड होती है जिससे हम निकाल सकते हैं। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर हम निकालते हैं तो क्या आता है आपका, उसमें हम करते हैं लंबाई चौड़ाई प्लस चौड़ाई ऊंचाई प्लस ऊंचाई और लंबाई, तो इस प्रकार हमारा क्या आता है, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। और घनाभ का अगर हमें आयतन निकालना हो तो उसके आयतन के लिए जो स्थान पूरा घेरता हो, ये जो कोई कटोरा है अभी पूरा स्थान घेर रहा है, तो इसमें हवा भी हो सकती है, द्रव्य भी भरा हो सकता है,
दोनों चीज़ हो सकती हैं। और जब ये घनाभी आकृति जो होती है ये स्थान घेरती है, तो इसकी लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है, ऊंचाई भी होती है। तो उसके लिए हमें तीनों का गुणा करके निकालना पड़ता है कि घनाभ का आयतन क्या होगा, और इस प्रकार इस क्वेश्चन को हम आराम से कर सकते हैं। इस चैप्टर में हमने काफ़ी क्वेश्चंस को किया, घनाभ के आयतन के बारे में समझा। आगे का हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। आज के लिए थैंक यू।